पर्सनल रिपोर्टर्स हैं वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग की रिपोर्ट से वो डिले की जा रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तंत्र को प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें ठीक है, उन्होंने उनके वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता का वो अपना उपयोग करेंगे, लेकिन ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अपनी हमारी ताकत है, हम जो अपनी योजना है और जो हम आवाज उठा सकते हैं, चाहे चुनाव आयोग के पास हो, चाहे जनता के बीच हो, चाहे चैनल्स के माध्यम से हो, हम अपनी आवाज को उठाएंगे। जी, आप पर आरोप लग रहे हैं फिर से कि आप सत्ता पर बैठे हैं, इसलिए दीजिए जवाब। अच्छा है, इन्होंने कश्मीर में भी लगाना चाहिए था, नहीं लगाया इन्होंने तो। लेकिन कश्मीर में तो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, वो कुछ भी, मैंने कहा ना कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कैसे भी किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई आरोप लगा सकती है। लेकिन मैं मुझे अच्छा लगा संजीव जी का, इन्होंने हार तो एक्सेप्ट कर ली और अपनी कमी, ये पहली बार मैंने किसी भी कांग्रेस के नेता को मैंने सुना है जिसने नहीं, नेता जी, उन्होंने हार एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने कहा ये जो परिणाम आ रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, अभी हार जीत का फैसला हम नहीं कर सकते। वही मतलब कि उन्होंने ये कहा कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कोई भी चीज को जो नेगेटिव जा रही है उसको एक्सेप्ट करना कांग्रेस के उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने किया, बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि ये धीरे धीरे शायद इनकी तरह से बहुत सारे लोग जयराम रमेश जी भी सोचें इस चीज को कि शायद जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आता है वो हम जो करते हैं, जनता हमें जो देती है वो होता है, ना कि सरकारी तंत्र पे, ईवीएम पे, इधर उधर फालतू की जगहों पे आरोप लगाने से नहीं होता है। जनता ने हमें क्या दिया है वो मायने रखता है, वही सही है और वही हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ? जी हाँ, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बिल्कुल, जो सामने दिख रहा है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या मतलब हार एक्सेप्ट करती है? नहीं, हार नहीं, जैसे आप बोल रहे ना अभी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया है और ठीक है, जो है वो सामने है, उसको उसी कंडीशन में अभी हम जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रही हैं अभी आप, उसी कंडीशन में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हो सकता है हमारे फेवर में भी हो, जैसा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अच्छी बात है, उम्मीद छोड़ना मींस कि आप उस वे से उससे बाहर होना है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर हम विपक्ष में भी बैठेंगे तो हमेशा की तरह कश्मीर की भलाई के लिए ही करेंगे, बात करेंगे और उसके लिए ही हम लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया मुद्दे को छोड़ दिया या कश्मीर की बेहतरी के लिए हम बात नहीं करेंगे, हम तब भी वही बात करेंगे जो आज कर रहे हैं और सबके साथ, सबके भरोसे, सबके विश्वास, सबको साथ लेके चलने की ही बात करेंगे, चाहे हमें कोई वोट करे या ना करे, हमारी योजनाएं सबके लिए। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में और जिस प्रकार से चार बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है, बीजेपी की मैनेजमेंट काम आ रही है, आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरह से तो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो आपके खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में और हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम और हमारे इस इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की टीम और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद लिया है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी सुस्त और हरियाणा में बीजेपी का बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राहुल जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे विनेश फोगाट को लेकर, जुलाना सीट को लेकर, तो क्या लगता है जैसे विनेश फोगाट अभी जुलाना सीट से आगे चल रही है, हालांकि वो उनका ससुराल है, और वहीं क्या लगता है पहलवानों की नाराजगी बीजेपी को पछाड़ रही है सीट से? नहीं देखिए,
एक तो लोकप्रिय पहलवान रही हैं और फिर उनके साथ जो हुआ तो एक सिंपैथी वोट उनको मिल रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंपैथी वोट मिल रहे हैं विनेश फोगाट को। बिल्कुल सिंपैथी वोट देखिए जुलाना में मिल रहा है और फिर उनका जुलाना से जुड़ाव भी है, उनकी ससुराल है तो जुलाना में उनका जीतना स्वाभाविक था। लेकिन ससुराल है, कोई रहता नहीं है, बस एक नाम के लिए ससुराल है, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अभी जो ये पहलवानों का ये मुद्दा उठा था और अभी जब विनेश फोगाट आई तो उनको टिकट दे दिया गया, तो कुल मिलाकर बीजेपी जैसा आरोप लगा रही थी विनेश फोगाट को लेकर तो पूरा सही साबित हो रहा है, ये कांग्रेस ने इसलिए टिकट दिया है सिंपैथी वोट को लेकर। कांग्रेस या बीजेपी भी तो सब जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते हैं ना, ये ऐसा थोड़ी कि किसी को भी उठा के बीजेपी टिकट दे देती है कि नहीं जाओ तुम लड़ लो वहां से। हाँ। ऐसा तो ये किसी को भी नहीं देते। कांग्रेस को लगा कि विनेश फोगाट वहां से जिताऊ कैंडिडेट हो सकती है तो उनको दिया और उनकी लोकप्रियता थी, इसमें क्या बात है, इन्होंने नहीं दिया है, बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने दिया, योगेश्वर दत्त इनकी पार्टी से वो रहे।